स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको गुजराती फेमस फरसान फाफड़ा घर पे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही इजीली घर पे बन के रेडी हो जाता है। गुजरात में ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर खाया जाता है और दशहरे और दिवाली टाइम पे ये फाफड़ा मस्ट बनता है। और फाफड़ा हमेशा जलेबी और हरी मिर्च फ्राइड उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये गुजराती फाफड़ा की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हो ये घर पे ही एकदम बाजार जैसा बढ़िया फाफड़ा घर पे बनता है। तो उसके लिए हम 2 कप बेसन ले लेंगे। तो बेसन को मैं थोड़ा छान के ले रही हूँ। साथ में हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और बेसन को हम छान लेंगे। तो बेसन मैंने अच्छे से छान लिया है। अभी मैं उसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दूंगी। तो मैंने 1 टीस्पून मेजर करके ले लिया है और हाथ से मसल के हम अजवाइन को ऐसे ऐड कर देंगे। और 1/4 टीस्पून मैं उसमें हींग ऐड कर दूंगी, तो ये ऑप्शनल है। तो ये सारे हमारे सूखे इंग्रेडिएंट हो गए। अभी तेल और पानी हम मिक्स करेंगे। तो मैं 1/4 कप तेल ले लूँगी और हम उसमें 1/2 कप गरम पानी, हल्का गरम पानी ऐड कर देंगे और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो तेल 3 से 4 बड़े चम्मच, थोड़ा कम तेल भी ले सकते हो तो उसकी जगह आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, 3 से 4 बड़े चम्मच। और ये मिक्सचर से हम हमारा फाफड़े का आटा बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। तेल और पानी मिक्स करने से हमारा जो फाफड़ा है वो एकदम सॉफ्ट और खस्ता बनेंगे। तो ये मिक्स करके ही हमें यूज़ करना है। तो फाफड़े का आटा हमें रोटी जैसा गूंदना है। तो मैंने पूरा मिक्सचर यूज़ कर लिया है। अगर ज़रूरत लगे तो 1-2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे, पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 कप लोगे तो ये मेजरमेंट से आपका आटा एकदम परफेक्ट बनेगा। हम थोड़ा उसे मसल लेंगे और अभी मैं तेल वाला हाथ कर लूँगी ताकि बेसन का आटा चिपके नहीं और हम उसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो फाफड़े का आटा है वो थोड़ा कड़क है तो 1/2 टीस्पून जितना पानी लेके आप ऐसे मसल लीजिए। तो ये मैंने एकदम रोटी जैसा आटा हो ऐसा बनाया है। और अभी मैं उसमें से थोड़ा आटा ले लूँगी और हम उसके एक जैसे लोए बना लेंगे। तो ऐसे हम रोल बना के एक जैसे लोए काट लेंगे। और अभी मैंने वुडन का चॉपिंग बोर्ड लिया है, उसके पर हम लोया ऐसा लंबगोल बना लेंगे और लोए को हम ऐसे प्रेस कर देंगे। और हथेली का ऊपर का भाग ये यूज़ करके एकदम वजन देके हम खींच लेंगे ऐसे एंड तक। एकदम सिंपल है। तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट बना है। और मैंने ये पतली वाली नाइफ ली है, उससे हम आसानी से निकाल देंगे ऐसे। तो पतली नाइफ रहेगी तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ऐसे ही मैं दूसरा बना लूँगी। तो बहुत ही सिंपल है और पतली नाइफ की मदद से आप दोनों में से कोई से भी साइड आसानी से निकाल सकते हो ऐसे। और ऐसे ही मैं तीसरा बना के दिखा दूंगी। ऐसे प्रेस करके खींच लेना है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको तुरंत ही आ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें ये रीत। अगर आपसे ये थोड़ा हार्ड पड़ता है तो आप प्लास्टिक कोई सा भी ऐसा ले लीजिए, उसमें लोया रख दीजिए और उसे बेल के भी आप उसे फ्राई कर सकते हो। तो मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए एक बना रही हूँ। अगर आपसे हाथ से दबाने वाला फाफड़ा बने तो वही टेस्टी और परफेक्ट बनता है। तो वही तरीके से बनाए। तो ऐसा मैंने बेल लिया है और हम उसे ऐसा एक कट दे देंगे। तो ऐसे भी आप फाफड़ा बना सकते हो। और अभी मैंने तेल गरम रख दिया है फाफड़ा को फ्राई करने के लिए। तो तेल जब एक बार गरम हो जाए तब हम फाफड़ा ऐड कर देंगे और दोनों साइड हम साइड चेंज करते हुए 15 से 1/2 मिनट तक हमें पकाना है। तो कच्चा ना दिखे ऐसा अच्छे से पकाना है। ये तुरंत ही फ्राई होके रेडी हो जाता है।
मैं एक साइड 20 से 30 सेकंड होंगे, बाद में उसकी साइड चेंज करती रहूंगी और दूसरे फाफड़ा ऐड करती रहूंगी। और जैसे एक फाफड़ा फ्राई हो जाए हम उसे निकाल देंगे, तो ये तुरंत ही फ्राई होके रेडी हो जाता है। एक बार आटा आपका बन जाए तो ये आप उसे तुरंत बेल के और या हाथ से ऐसे प्रेस करके उसे फ्राई करके उसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो अगर आपके पास आटा तैयार है तो ये तुरंत ही आप उसे हाथ से प्रेस करके फ्राई कर सकते हो। और गुजरात में ये फाफड़ा जलेबी के साथ और हरी मिर्च के साथ, उसे फ्राइड हरी मिर्च के साथ उसे सर्व करते हैं। अगर आपको जलेबी की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप मेरे वीडियोस में भी चेक कर सकते हो। तो दशहरा स्पेशल गुजराती फाफड़ा की रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको गुजराती फाफड़ा, गुजराती फरसान की रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।